क्या फ्लाइट जानते हो? नॉर्मली हम फ्लाइट में सफर करते हैं। अरे फ्लाइट में तो हम भी सफर करते हैं बेटा, तुम करते होंगे लेकिन इकोनॉमी क्लास में। हम बिजनेस क्लास में सफर करते हैं। अरे एक ही बात है। एक ही बात कैसे? जानते हो बिजनेस क्लास में कितना खर्चा आता है? कितना खर्चा आता है बेटा? बिजनेस क्लास में एक बार जाने का इतना खर्चा आता है ना, उतने में चार बार आने जाने हो जाएगा इकोनॉमी में। ए भैया, इतना खर्चा होता है? आनी तो का वैसे भैया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, जब बिजनेस क्लास में तुम्हें आने जाने लगा रहता है तो ट्रेन में कैसे सफर कर रहे हो? पैसे कम पड़ गए होंगे बेटा। तुम लोग हमको जानते नहीं हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम जमींदार खानदान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और नहीं तो का गांव में सब छोटे सरकार का क्या बुलाते हमको? बड़े सरकार का नहीं बुलाते बेटा, बड़े सरकार हमारे बाबूजी को बुलाते हैं। जानते हो गांव में कितना बड़ा घर है हमारा? कितना बड़ा? इतना बड़ा के पूरे गांव के लोग रह सकते हैं। घर है कि वृद्धाश्रम? जानते हो हमारे घर का कमरा कितना बड़ा होता है? कितना बेटा? हमारे कमरा इतना बड़ा है ना कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में पूरे दो दिन लगते हैं बाइक पे। फिर तो बाथरूम भी बहुत बड़ा होगा। बेटा बाथरूम के बारे में तो पूछो ही मत। बचपन में साबुन खो गया था बाथरूम में, अब जाके मिला है दो दिन पहले। गल नहीं गया साबुन? बेटा हमारा साबुन इम्पोर्टेड होता है, ऐसे ही गल नहीं जाता सस्ते साबुन जैसा। वैसे ट्रेन में सफर करने का मजा ही अलग है। नहीं, काय का मजा है? काय का मजा है ट्रेन में सफर करने का? इतना धीरे धीरे तो चलना, दौड़ के आगे चले जाए हम। तो दौड़ जाओ ना, काहे बैठे हो? दौड़ जाओ। बड़े आए मिल्खा सिंह। बेटा जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ जानते हैं ना, मुंह से बात करें। मुंह की बात नहीं बोल रहे, हम कौन है जानते हो? कौन हो? बेटा हम अपने गांव के इतने अमीर आदमी है ना कि पूरे गांव खर्च सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेन में कैसे सफर कर रहे हो? अरे छोड़ो, तुम लोगों को क्या बोलना, जानते हो हम किसके बर्तन में खाना खाते हैं? पड़ोसी के बर्तन में खाते होंगे। पड़ोसी के बर्तन में नहीं खाते हैं, सोने के बर्तन में खाते हैं। सोने का ग्लास, सोने का थाली, सोने का कटोरा, सब सोने का आता है मेरे घर में। हाँ तो चावल भी सोने का ही खा लेते फिर? बेटा खा लेते नहीं, हम सोने का ही चावल खाते हैं। फिर तो टट्टी में भी सोना ही निकलता होगा। मजाक लग रहा तुमको? बेटा आना कभी हमारे घर, रोटी भी सोने का मिलेगा तुमको। तुम लोगों को क्या पता इम्पोर्टेंट चीजें के बारे में? अरे काहे नहीं पता, इम्पोर्टेंट चीजें हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखा, इसमें लिखा भी है इम्पोर्टेंट। अबे ओए गरीब आदमी, चीजों के ऊपर इम्पोर्टेंट लिखा होने से वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता? जानते हो इम्पोर्टेंट चीजों का कीमत कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? एक इम्पोर्टेंट साबुन कितने का आता है जानते हो? कम से कम 50,000 का। साबुन एक सोना है भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं मतलब हम भी फेंकते हैं, इतना नहीं जितना आप देख रहे हो। बेटा हम फेंक नहीं रहे, सच बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे होते ना तो ट्रेन में नहीं हेलीकॉप्टर में जा रहे होते। बेटा तुमको शायद पता नहीं, 10 हेलीकॉप्टर है हमारे पास। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर में कहीं नहीं गए? बेटा हमको लाइसेंस मिला ही नहीं अब तक। जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा हेलीकॉप्टर में जाना शुरू कर देंगे। फिर हमको भी ले जाना हेलीकॉप्टर में। काहे तुमको काहे ले जाएंगे? अरे अब हम दोस्त बन गए ना। ठीक है, सोच के देखेंगे। लगता है सुरंग आने वाला है अभी। ले आगे। अच्छा भाई साहब तो बहुत अमीर है। हाँ, हम जितने सोचे थे उससे भी अमीर। चलो भैया भाग गए उनके। अरे सामान कहाँ गया? चोरी हो गया। इतनी देर तक जो आदमी फेंक रहा था ना यहाँ बैठ के, वो कोई जमींदार नहीं, चोर है। आपको कैसे पता? वो देखो पोस्टर।